हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, है ना बच्चों? आप सब लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो आज हम सीखेंगे छोटे उ की मात्रा वाले शब्द। छोटे उ की मात्रा वाले दो, तीन और चार अक्षर वाले शब्द, ठीक है बच्चों? बच्चों, छोटे उ की मात्रा की आवाज़ जो होती है धीमी होती है, उ, और छोटी होती है, उ उ, ठीक है बच्चों? और वो अक्षरों के नीचे लगाई जाती है, और वो अक्षरों के नीचे लगाई जाती है, सिर्फ र अक्षर में साइड में लगाई जाती है, और र अक्षर में साइड में लगाई जाती है, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों देखो, ये क्या है? शुभ, शुभ, शुभ मतलब मंगल, गुड, शुभ। नेक्स्ट खुश, खुश, खुश मतलब हैप्पी, खुश। धुन, धुन, धुन मतलब ट्यून, तान, धुन। उसके बाद देखिए मुख, मुख, मुख मतलब फेस, मुख। सुन, सुन, सुन टू हियर। कुछ, कुछ मतलब थोड़ा, सम। कुछ, चुप, चुप, चुप मतलब साइलेंट, चुप। तुम, तुम मतलब यू। गुड़, गुड़, गुड़ खाते हो ना, मीठा होता है ना, वो गन्ने के रस से बनता है, गुड़। सुबह, सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग। सुमन, सुमन मतलब फूल, फूल, सुमन। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल मतलब चिड़िया का नाम है ये, बुलबुल। कुमकुम, कुमकुम, ये एक लिक्विड पदार्थ है, वो जो औरतें हैं वो अपनी बिंदियां पहनते हैं, ठीक है ना, लाल रंग का होता है कुमकुम। गुमसुम, गुमसुम मतलब चुप, स्तब्ध, गुमसुम। मुलायम, मुलायम मतलब सॉफ्ट, मुलायम, नरम, ठीक है। गुजरात, गुजरात ये स्टेट का नाम है, इसकी राजधानी का नाम क्या है बच्चों? गांधीनगर, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है बच्चों? मैं फिर से दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। शुभ, खुश, धुन, मुख, सुन, कुछ, चुप, तुम, गुड़, सुबह, सुमन, बुलबुल, कुमकुम, गुमसुम, मुलायम, गुजरात। बच्चों इन शब्दों को आप जोर जोर से पढ़िए और इनको याद कीजिए, ठीक है? यहाँ भी देखिए बहुत कुछ हमने नए शब्द दिए हैं, ठीक है बच्चों? आपको समझ में आ गया? और इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और जोर जोर से उच्चारण करके इस शब्दों को याद कीजिए, ठीक है बच्चों?
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।